कैन यू बिलीव दिस मेधा कि माँ इस तरह की हरकत कर सकती है? कौन है ये पूजा? अरे क्या पता, सुना है किसी राजा महाराजा की बेटी है। राजा महाराजा की बेटी? हाँ। अरे ऐसे लाखों राजा महाराजा मिलते हैं हमारे देश में, और कईयों की तो हालत भिखारियों से बदतर है। अब रामपुर की बात ले लो, रामपुर के इर्द गिर्द ऐसे कुछ 100-150 राजा मिलेंगे तुम्हें। क्या बात कर रहे हो? हाँ और क्या। खैर मुझे क्या लेना देना उससे, मैं तुम आपको साफ साफ बता चुका हूँ मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, आपने आज तक मुझसे एक भी बार नहीं पूछा है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ या नहीं। मजाक छोड़ो मेधा, मेरा मूड इस वक्त ठीक नहीं है। नहीं सीरियसली, तुमने मुझसे एक भी बार तो नहीं पूछा कि मैं तुमसे शादी करूंगी या नहीं, तुमने ऐसे ही अज्यूम कर लिया। अच्छा तो मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा, और मानो अगर मैं तुमसे नहीं पूछता हूँ तो क्या मुझसे शादी नहीं करोगी तुम, बोलो। ठीक है भाई, अगर नहीं करना चाहती तो ना सही, मैं तो अपनी उस राजकुमारी से शादी कर लूंगा। फिर मेरे पास रोती हुई मत आना कि ऋषभ मेरे साथ शादी कर लो प्लीज। बिग डील, तुम्हारे साथ शादी करने के लिए राजकुमारी है तो मुझसे शादी करने के लिए और लड़की नहीं है क्या? ओ ऐसी, मतलब मुझे कॉम्पिटिशन है। हो सकता है, व्हाई नॉट। मजाक छोड़ो मेधा यार, अब ये बताओ कि माँ का और उस पूजा का करें क्या? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ मुझे बहू बनाना नहीं चाहती तो मैं और तुम उन्हें जबरदस्ती मरवा भी नहीं सकते। रहा सवाल तुम्हारी जमीन जायदाद का तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी माँ अगर वसीयत मेरी बजाय पूजा के नाम करती है तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं तुमसे शादी कर भी लूं तब भी उस वसीयत पर मेरा कोई हक नहीं बनता है ऋषभ। लेकिन मेधा, शादी के बाद तुम मल्होत्रा खानदान की बहू होगी और तुम्हें वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो एक बहू को मिलते हैं। माँ तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ऋषभ मुझे उन सब चीजों की जरूरत नहीं है, हमारी शादी हो जाए वही मेरे लिए बहुत है। आखिर माँ है ना, उनका भी गुस्सा धीरे धीरे उतर ही जाएगा। हाँ तो इसका मतलब है कि आप हमारे साथ शादी करना चाहती हैं? क्यों? हाँ अगर तुम घुटनों के बल खड़े रहकर मुझसे मेरा हाथ मांगो तो शायद मैं हाँ कह दूँ। आई बेग योर पार्डन, मैं घुटनों के बल खड़ा होकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा? आई होप। ठीक है, मैं तो उससे शादी करूंगी जो मुझे उस तरह प्रपोज करेगा। याद रहे ऐसे बहुत हैं जो ये सब करने को तैयार हैं। अच्छा, वैसे भी इन सब मामलात में मैं जरा ओल्ड फैशन्ड हूँ। जरा मैं भी तो सुनूं, कैसे कितने लोग हैं जो घुटनों के बल खड़े होके तुम्हारा हाथ मांगेंगे? मेधा सुनी, मेधा सुनी, यू आर सरप्राइज। हाउ आर यू? सरप्राइज सरप्राइज, तुम इंडिया कब लौटे? ये एक महीना हो गया। एक महीना हो गया? एक महीना, और तुम मुझे आज मिल रहे हो? शेम ऑन यू। नहीं सॉरी मेधा, लेकिन वो क्या था कि मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया था, और फिर वो क्या कि तुम्हारे घर का मतलब एड्रेस था पर गुम हो गया। सुनील तुम बहाने मत बनाओ, ये क्यों नहीं कहते तुम मुझसे मिला ही नहीं चाहते थे? मेधा अब मैं तुमको कैसे यकीन दिलाऊं कि जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ? कान पकड़ के सॉरी कह दो, मान जाओगी? वेल जाओ। इनसे मिलो, ये है ऋषभ मल्होत्रा, ये सुनील। हाँ मैं इनसे मिल चुका हूँ। तुम इनसे मिल चुके हो? कहाँ? वो मैं बिजनेस के सिलसिले में इनसे मिलने गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम सुनील से मिल चुके हो? भाई मुझे क्या पता कि तुम इन्हें जानती हो। ऋषभ सुनील के बारे में मैंने तुमसे नहीं बताया था। मेधा मैंने कहा ना तुमने मुझे कुछ नहीं बताया था। ओके नहीं अब बता देती हूँ। ये है सुनील, सुनील वर्मा, मेरे बहुत 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 अच्छे दोस्त। रियली? अमेरिका में मेरे क्लासमेट थे फॉर 3 years। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ आ गई और ये वहीं रह गए। ऋषभ ही इज अ वेरी गुड लॉयर, इनसे बेहतर कॉर्पोरेट लॉयर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। He's a very intelligent and handsome man. Oh God, it's too much. क्या है मल्होत्रा साहब कि मेधा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने में बहुत माहिर है, तो जितनी बातें इन्होंने की उसमें से 60% आप काट दीजिए। हद है सुनील, हद है। मैं तुम्हारी तारीफ किए जा रही हूँ और तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। भाई इतनी तारीफ के काबिल हूँ कहाँ मैं? यही तुम्हारा प्रॉब्लम है पहले से।
तुम खुद नहीं जानते कि तुम कितने टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हो। वैसे सुनील साहब, आप तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि कोई तारीफ करने वाला तो है आपके पास, वरना आज तक हमारी किसी ने इतनी तारीफ नहीं की। मल्होत्रा साहब, अगर मैं ये कहूं कि आपको मेधा जैसी दोस्त नहीं मिली होगी तो कैसा रहेगा? यू प्लीज कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप कैसे, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, एक एक कप कॉफी हो जाए। और वैसे भी आप दोनों बहुत सालों बाद मिले हैं, बहुत सी बातें होंगी करने के लिए। क्यों? हाँ। सुनील बैठे ना, बहुत सारी बातें करनी है। सॉरी मेधा, लेकिन वो क्या है कि मेरा किसी और के साथ अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना? फिर मिलते हैं। अच्छा, तो एक कार्ड रखो। अब तुम कोई बहाना नहीं बना सकोगे कि तुम्हारे पास मेरा एड्रेस नहीं। ठीक है, I'll give you a call. पक्का? पक्का। फिर मिलते हैं। गुड नाइट मल्होत्रा साहब। गुड नाइट। बाय बाय। सुनील, ठीक है। एंजॉय योरसेल्फ। बाय बाय। कैसा लगा सुनील? कैसा लगा? ठीक ठाक ही है। नॉट बैड। ये अचानक तुम्हारा मूड क्या हो गया? वैसे मेधा, तुम इस सुनील को कितने अरसे से जानती हो? मेरा मतलब है, अमेरिका में जानती थी या उससे पहले इंडिया में भी जानती थी? नहीं, कॉलेज के पहले ही दिन वो मुझसे मिला था। ओह, हाउ इंटरेस्टिंग। और चूंकि अकॉर्डिंग टू यू वो इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हैंडसम है, तो जाहिर है कि बहुत सी लड़कियां उसके पीछे पागल होंगी। यस, ताज्जुब की बात तो यह है कि ज्यादातर लड़कियां अमेरिकन ही थी। और तुम? मेरा मतलब है, तुम भी उसके पीछे पागल थी या नहीं? मैं? मुझे पता था, मुझे पता था कि तुम ये सवाल मुझसे जरूर करोगे। तुम्हें सुनील से जलन हो रही है ना? जलन? मुझे? और वो भी सुनील से? यू मस्ट बी आउट ऑफ योर माइंड। वैसे मेधा, तुम हो बड़ी स्मार्ट। टॉपिक चेंज कर दिया और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मैं नहीं, वो मुझ पे मरता था। रियली? और तुम दोनों के बीच कोई रोमांस, मेरा मतलब है, यू नो? वो मुझे अच्छा जरूर लगता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा हुआ, वरना मेरी जिंदगी में तुम कैसे आते? लेकिन सुनील जो... ऋषभ, सुनील के बारे में बहुत बातें हो चुकी, अब उसका चैप्टर हम क्लोज कर ले प्लीज। मेरी कॉफी तो ठंडी हो गई, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। चलें।